Hi student, welcome to RCI Azuhab online classes. आज हम चैप्टर नंबर 8, आठवां जो चैप्टर है वो स्टार्ट कर रहे हैं. देखेंगे महत्वपूर्ण फलों के रोग, कारक, लक्षण और नियंत्रण. महत्वपूर्ण फलों के रोग, यहाँ पर हमारे पास में तीन प्रकार के फल दिए हुए हैं. उन तीनों के अंदर लगने वाले रोग कौन सा रोग है, किस कारण से होता है, लक्षण कैसे दिखाई देते हैं और उसका नियंत्रण किस प्रकार से किया जा सकता है, ये इसके अंदर पूरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे. इसमें सबसे पहले जो आता है वो आता है सीट्रस कैंकर, नींबू का कैंकर रोग. नींबू का कैंकर जो रोग होता है सभी उत्पादक क्षेत्रों में इसका प्रकोप रहता है, यानी कि वे सभी क्षेत्र जहां पर नींबू की खेती की जाती है, नींबू के उद्यान हैं, उन सभी क्षेत्रों के अंदर ये फैला हुआ रहता है. नींबू जो है इसका कैंकर जो रोग होता है, इस कैंकर रोग की खोज भारत व जावा देशों को माना जाता है. सबसे पहले जो नींबू कैंकर जो रोग है इसको कहाँ खोजा गया, भारत और जावा में. जावा जो है इसमें 1842 से 1844 के मध्य इसको खोजा गया था. सबसे पहले जावा जो देश है इसके अंदर सीट्रस ओरेंटोफोलिया, जो प्लांट आता है इससे एक नमूना प्राप्त किया गया और उस नमूने के ऊपर कैंकर जो रोग है उसकी पुष्टि हुई थी. इसके बाद में भारत जो है इसमें इसकी खोज की गई और 1927 से 1931 के मध्य दो वैज्ञानिक हैं, फ्रोसे व जेनकिंस, इन्होंने खोजा था. प्रोसेट और जेनकिंस, प्रोसेट और जेनकिंस जो है इन्होंने भारत के अंदर कागजी नींबू, कागजी जो नींबू आता है उसका नमूना लिया, उस नमूने के ऊपर कैंकर रोग की पुष्टि की देहरादून में. जगह जो है वो देहरादून. इस प्रकार से इसकी जो खोज है वो भारत और जावा देशों को माना जाता है. जावा के अंदर कब, कौन से पौधे के ऊपर, भारत में 1927-31 के मध्य फ्रोसेफ जेनकिंस ने कागजी नींबू पर कहा देहरादून में इसकी खोज की थी. इसके बाद में रोग की खोज होने के बाद रोग का उन्मूलन या रोकथाम, इसके लिए सबसे पहले यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, यहां पर कार्यक्रम चलाया गया जिसमें दो जगह हैं. सबसे पहले कैलिफोर्निया और सेकंड जो है वो फ्लोरिडा. संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर उन्मूलन के लिए कार्यक्रम चलाए गए दो जगह, एक कैलिफोर्निया में और एक फ्लोरिडा में. कैलिफोर्निया जो है इसके अंदर 1917-1931 के मध्य संगरोध नियमन लागू किया गया. संगरोध नियमन लागू किया गया
इसके अंतर्गत समरोध नियमन का जो मतलब होता है, इसके अंतर्गत रोगी जो पादप होता है, इस पादप को क्वारंटाइन किया गया, अलग से इसको अलग रखा गया। स्वस्थ पौधों से रोगी पौधे जो होते हैं उसको अलग रखना, ये नियम इसमें बनाया था। फ्लोरिडा जो है, फ्लोरिडा के अंदर एक ऐतिहासिक घटना है, ऐतिहासिक घटना जिसमें संपूर्ण जो उद्यान होता है उस उद्यान को ही नष्ट कर दिया गया। पूछा जा सकता है कैलिफोर्निया जो है उसके अंदर किस प्रकार से उन्मूलन के कार्यक्रम चलाया गया, उसमें है संगरोध नियमन, जिसके दौरान क्या किया गया, रोगी जो पादप होता है उसको स्वस्थ पादप से अलग रखना। फ्लोरिडा के अंदर ऐतिहासिक घटना कौन सी है, संपूर्ण उद्यान जो है जिसके अंदर रोग फैल गया है उस संपूर्ण उद्यान को ही नष्ट कर दिया गया इसके अंदर। इसके बाद में हम पढ़ेंगे जो रोग है उसके महत्वपूर्ण लक्षण कौन से हैं, कौन से लक्षण हमें इसमें दिखाई देते हैं। तो देखें लक्षण, लक्षण लक्षण जो होते हैं वो पौधे के सभी भागों के ऊपर, वायवीय जो भाग होते हैं उनके ऊपर, जड़ों को छोड़कर उनके सभी जो भाग होते हैं उनके ऊपर दिखाई देते हैं। जैसे पत्तियां हैं, टहनियां, शाखाओं पर, कांटों पर, फूलों, फलों, सभी भागों पर हम डायरेक्ट कह सकते हैं पौधे के जड़ों को छोड़कर ऊपर के जो जितने भी पार्ट हैं उन सभी के ऊपर इसके लक्षण दिखाई देते हैं। पत्तियां जो होती हैं सबसे पहले इसके ऊपर दिखाई देंगे, इसमें भी सबसे पहले निचली जो सतह होती है, निचली सतह पर होने के बाद फिर आते हैं ऊपरी सतह पर। दिखाई कहां दे रहे पादप भाग, दिखाई क्या देता है इसमें, धब्बे, धब्बे होते हैं और धब्बों के चारों ओर पीला आवरण पाया जाता है, इसके ऊपर चारों तरफ पीला आवरण रहता है। जैसे पिता भी आवरण बोलते हैं, कुछ समय के पश्चात जब संक्रमण ज्यादा होता है धब्बे जो होते हैं ये दानों का रूप ले लेते हैं, दानों का दानक हो जाते हैं। ये दाने जो होते हैं ये कुछ समय पश्चात कठोर और नमी रहित, तो जलाशिक्त भी बोलते हैं, हो जाते हैं। इस अवस्था में इन दानों को बोलते हैं कैंकर, और इनका जो आकार होता है ये आकार होता है 1 mm से 1 cm का। लक्षण, जड़ों को छोड़कर ऊपर के वायव्य भाग जो है इन सभी के ऊपर, जैसे पत्तियां, टहनियां, शाखाओं, कांटों, फूलों, फलों, सभी के ऊपर दिखाई देते हैं। पत्तियों में सबसे पहले निचली सतह पर आते हैं, उसके बाद में ऊपरी सतह पर। धब्बे के चारों ओर पीतावी आवरण पाया जाता है। ये दाने जो होते हैं कुछ समय पश्चात कठोर होकर भंगुर हो जाते हैं, और इस अवस्था में इसको क्या कहेंगे, कैंकर, जिसका आकार 1 mm से 1 cm तक होता है। इसके बाद में इसके रोग जनक, जेंथोमोनास एक्जोनोपोडिस, और इसकी प्रजाति होती है पेथावर सिट्राई। जेंथोमोनास एक्जोनोपोडिस पेथावर सिट्राई, ये रोगजनक जो होता है इसकी प्रकृति जीवाणु भी होती है, जीवाणु प्रकृति का होता है। और जीवाणु प्रकृति के बारे में बताया था हसी, हसी नामक वैज्ञानिक जो है उसने इसके बारे में बताया कि एजेंथोमोनास एक्जोनोपोडिस जो होता है ये जीवाणु प्रकृति का होता है। 1915
रोगजनक जो है इसका आकार जो होता है लंबाई 1.5 से 3 μm और इसकी चौड़ाई जो होती है वो 0.5 से 1.5 μm। इसका आकार जीवाणु जो होता है वो दंडाकार होता है यानी कि छड़ाकार स्टिक के आकार का। वायवीय प्रकृति का होता है, इसकी प्रकृति जो होती है वो वायवीय होती है। रोगजनक जैंथोमोनास एक्जोनोपोडिस प्रजाति पेथावर सिट्राई। जीवाणु की प्रकृति जो होती है जैंथोमोनास एक्जोनोपोडिस जो है वो जीवाणु प्रकृति का होता है, जिसके बारे में किसने बताया, हसी ने 1915 में। आकार इसकी लंबाई जो है वो 1.5 से 3 μm होती है, चौड़ाई जो होती है वो 0.5 से 1.5 μm होती है। दंडाकार यानी कि छड़ी के आकार का होता है। इसकी प्रकृति जो होती है वो वायवीय प्रकृति होती है। इसके बाद में इसका रोग चक्र, रोग चक्र जो होता है यानी कि जैंथोमोनास एक्जोनोपोडिस जो होता है वो एक पादप से दूसरे पौधे के अंदर किस प्रकार से फैलता है, किस प्रकार से ये पहुंचता है। रोग रोग चक्र जो होता है इसमें रोग कारक जो है ये पादप की जो अवशेष होते हैं इसके अंदर बना रहता है। रोगी जो पादप होता है, रोगी पादप की अवशेष जो होते हैं उसके अंदर ये बना रहता है। अवशेषों से वायु के माध्यम से वर्षा जल, जल के माध्यम से रोगी पादप से स्वस्थ पादप में यह फैलता है। इसी के साथ में कीट जो होते हैं वो कीट भी इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर या स्वस्थ जो पादप होता है उसके अंदर पहुंचाने का कार्य करते हैं। जितने लीफ माइनर या नींबू का पर्ण सुरंग जो कीट होता है ये इसको स्वस्थ पौधे के अंदर पहुंचाने का काम करता है। इसके बाद में रोग चक्र जो है वो कंप्लीट होता है और नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका, होता है प्रबंधन, किस प्रकार से इसका प्रबंधन किया जाए। प्रबंधन के अंदर 3 पॉइंट है, सस्य प्रबंधन, रासायनिक प्रबंधन और जैव प्रबंधन। हाँ भाई, प्रबंधन, प्रबंधन जो है इसके 3 पार्ट, जिसमें सबसे पहले सस्य प्रबंधन। सस्य प्रबंधन में रोगी जो पादप होता है जिस भाग के अंदर रोग लगता है उस पादप भाग को काटकर उसे अलग कर देते हैं। पादप जो होते हैं अगर ज़्यादा सघन है तो उनको छटाई कटाई कर दी जाती है। इसी के साथ पादप जो भाग कटे हुए हैं उनके ऊपर गोल्ड मिश्रण जो होता है उसका छिड़काव कर देते हैं जिससे ये नष्ट हो जाते हैं। जैव प्रबंधन, जैविक जो प्रबंधन है उसके अंदर रोग रोधी किस्मों का उपयोग करके हम इस रोग को फैलने से रोक सकते हैं। रोग रोधी किस्मों के अंतर्गत कागजी नींबू, संकर 2, संकर 4, SN2 इसका उपयोग कर सकते हैं। रासायनिक प्रबंधन, रासायनिक प्रबंधन जो होता है इसमें बोर्डो मिश्रण, लाइम सल्फर और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का छिड़काव कर के हम इसको नष्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो सीट्रस कैंकर जो रोग है वो हमारे यहाँ कंप्लीट होता है, जिसके दौरान हमने जो पॉइंट जो पढ़े हैं, सबसे पहले भाई इसकी खोज किसने की, उसके बाद लक्षण क्या है, रोग कारक कौन सा है, रोग चक्र और इसका प्रबंधन। धन्यवाद।